हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और ये है विद्युत मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर। आप सभी ने विद्युत मोटर के बारे में सुना होगा और लगभग देखा भी होगा विद्युत मोटर को। जैसे पंखा है हमारे घरों में, पंखे के अंदर क्या होती है, विद्युत मोटर होती है। इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी क्या होती है, विद्युत मोटर। और कॉमन सा एग्जाम्पल, हम घरों में जूस निकालने के लिए जो मिक्सर यूज करते हैं उसके अंदर भी क्या होती है, विद्युत मोटर। और जो हमारे पानी वाली जो मोटर है उसमें भी क्या लगी होती है, विद्युत मोटर। इसी प्रकार से जो MP3 प्लेयर है, CD प्लेयर है, उन सभी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, विद्युत मोटर को यूज करते हैं। अब विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि और सिद्धांत, इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर साल एग्जाम में आता है इसके बारे में, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, विद्युत मोटर पे बेस्ड आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इंटरेस्टिंग भी है, इसको समझना काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक इसका प्रैक्टिकल मॉडल दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में एक विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर का एक छोटा सा मॉडल है, जिसमें आपको ये कि रोड बाहर दिखाई देती है, इसको हम धुरी कहते हैं। जैसे ही इसके पीछे देखो, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए, विद्युत ऊर्जा देने के लिए दो टर्मिनल बने हुए, यहाँ पर एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। जैसे इन दोनों टर्मिनल को हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे, क्या होता है, ये जो धुरी है ये घूमने लगती है। अब हमें जो भी किसी भी चीज को घुमाना है, जैसे पंखे को घुमाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है, सीडी प्लेयर चलाना है, वो एक धुरी घूमेगी तो क्या होगा, वो सारी चीजें भी घूमने लगती हैं। इसका मतलब देखो, विद्युत मोटर क्या करती है, इसको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और ये धुरी घूमने लगती है, तो वो कौन सा कार्य हो गया, मशीनी कार्य हो गया, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। इसका मतलब इसको हमने विद्युत ऊर्जा दी और ये मोटर घूमने लगती है, तो क्या काम करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अतः हम विद्युत मोटर को परिभाषित करें कि विद्युत मोटर क्या होती है, तो देखो इसकी परिभाषा क्या आएगी, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसको हमने विद्युत ऊर्जा दी और क्या हुआ, मोटर घूमने लग जाती है, तो किसमें हो गई ये, यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करेंगे इसके सिद्धांत, रचना और कार्यविधि की। तो इसका जो विद्युत मोटर का जो सिद्धांत होता है, ये देखो इसका सिद्धांत क्या होता है। इसका सिद्धांत हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक आर्टिकल किया था, जब किसी विद्युत धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक पर एक बल लगता है। सिद्धांत क्या है इसका, किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बल लगता है, ये इसका सिद्धांत है। और देखो, ये जो बल लगेगा, इस बल की दिशा को निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था कौन सा जो नियम लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो सिद्धांत क्या है इस विद्युत मोटर का, कि किसी विद्युत धारावाही चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस चालक पे एक बल लगता है, और उस बल के कारण से क्या होता है, जो हमारे पास में जो विद्युत मोटर है वो कार्य करती है। तो सिद्धांत क्या हो गया, फिर से देखो, किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक पर एक बल लगकर, ये हो गया इसका सिद्धांत। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि और रचना, कार्यविधि और रचना और कार्यविधि।
विद्युत मोटर की रचना और कार्य विधि, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और काम कैसे करती है इसको समझते हैं। देखो इसको समझाने के लिए फिर से मैं आपको जो विद्युत मोटर है इसके पार्ट्स दिखाता हूँ, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो अब हम दोनों चीजें साथ लेके चलेंगे, हमने ये जो डायग्राम बना रखा है ये और जो मेरे हाथ में जो मोटर है ये। देखो सबसे पहले तो जो मेरे हाथ में मोटर है इसमें आपको सबसे बाहर क्या दिखाई दे रही है, धुरी, या जिसको हम शाफ्ट या एक्सल कह देते हैं, शाफ्ट भी बोल देते हैं, धुरी भी कह देते हैं और एक्सल भी कह देते हैं। तो ये जो ब्लैक रोड आपको दिखाई दे रही है ये तो ये वाली धुरी है। अब इसके आगे ये ए बी सी डी, इसको हम कहते हैं तार की अनेक फेरों वाली कुंडली, जिसका नाम क्या है, आर्मेचर। तो पहला ही पहला जो पार्ट है ना विद्युत मोटर का वो क्या होता है, आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है ये समझाता हूं आपको। देखो ये मेरे पास में ये जो मोटर है इसी का एक वर्किंग मॉडल है। इसके अंदर आपको तांबे के तार की अनेक जो लपेटे या अनेक फेरे दिखाई दे रहे होंगे। तार को हमने क्या कर रखा है, किसी नरम लोहे के ऊपर लपेटा हुआ है और बहुत ज्यादा बार लपेट रखा है यूं। तो ये जो अनेक फेरों वाली तांबे के तार की ये जो कुंडली है इसी का नाम क्या है, आर्मेचर। तो आर्मेचर हमारे पास में क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, एक आर्मेचर है। तो आर्मेचर की जो परिभाषा है वो क्या क्या हो जाएगी, अनेक फेरों वाली, अनेक फेरों वाली विद्युत रोधी तार की आयताकार कुंडली। यहां पर हमें देखो ये जो कुंडली किस प्रकार दिखाई दे रही है, आयताकार। तो अनेक फेरों वाली विद्युत रोधी तार की आयताकार कुंडली जो नरम लोहे पर, नरम लोह क्रोड, ये कहते हैं जो नरम लोह क्रोड पर लपेटी होती है। इसको हम कहते हैं आर्मेचर। तो एक बार जैसे आर्मेचर को समझाने के लिए मेरे पास में एक दूसरी चीज हो रहा है, ध्यान से देखो। ये तांबे के तार को हमने अनेक बार लपेटा हुआ है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि आर्मेचर क्या होती है, अनेक फेरों वाली विद्युत रोधी तार की आयताकार कुंडली जो नरम लोहे क्रोड पर लपेटी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाने के लिए देखो आपने, ये मेरे पास में एक सॉफ्ट आयरन नरम लोह क्रोड है, इसको हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर डाला हुआ है और इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, तार को लपेट दिया। तो इस प्रकार की जो आयताकार तार की, यहाँ पर ये जो ये तो क्या कैसी है, बेलनाकार है। हम अलग अलग प्रकार की कुंडली ले सकते हैं तार की, ये जो हमारी जरूरत के हिसाब से बनती है। तो यहाँ पर जो चित्र में मैंने बना रखा है वो आयताकार है। तो ये इस प्रकार की जो कुंडली होती है इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो इस आर्मेचर का एक सिरा तो यह आ गया, दूसरा सिरा यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर ये वाला एक तार ये आ रहा है, एक तार ये आ रहा है, दो सिरे हो गए इसके, ये अनेक फेरों वाली क्या हो गई, कुंडली हो गई, इसका नाम क्या है, आर्मेचर। दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे सिद्धांत क्या था इसका कि विद्युत धारावाहिक चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, बल लगता है। तो हमने आर्मेचर तो क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत धारावाहिक चालक। अब चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेट के दो पोल लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक ये कौन सा हो गया, साउथ पोल। तो इनके बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे मान लो ये आपको दिखाऊंगा जो मोटर है, इस मोटर के अंदर आपको ये जो ब्लैक सी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये कैसा चुंबक है, ये बेलनाकार चुंबक है। इस चुंबक के अंदर ये जो हमारी आर्मेचर रखी हुई है, बेलनाकार या यूं कहते हैं सिलेंड्रिकल चुंबक, आपको ध्यान से देखोगे दिखाई देगी, ये काले से रंग का एक छल्ला दिखाई दे रहा है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट या
बेलनाकार चुंबक है। तो यहां पर हमने क्या ले रखा है, किसी छड़ चुंबक के दो ध्रुव ले रखे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ाने के लिए हम विद्युत चुंबक भी उपयोग कर सकते हैं, या जो यू आकार के मैग्नेट हैं वो वाले मैग्नेट भी हम इस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगला पार्ट क्या है इसका, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हम किसी चुंबक के दो ध्रुव लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये क्या करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे। अब आता है इसका जो तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, तीसरा पार्ट आता है हमारे पास में मोटर के अंदर, ये होते हैं विभक्त वलय, जिसको हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं इंग्लिश में, स्प्लिट रिंग्स। क्या होते हैं विभक्त वलय और स्प्लिट रिंग्स? जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक छल्ला, गोल छल्ला, और उस छल्ले को हम बीच में काट दें। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक छल्ला है और इस छल्ले को हम बीच में काट दें, तो आधा टुकड़ा तो इधर आ जाएगा, आधा टुकड़ा इधर आ जाएगा। तो इसको हम इस छल्ले के दो टुकड़े कर दिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स। विभक्त मतलब बटा हुआ, छल्ले को बांट दिया हमने, वलय का मतलब क्या होता है, रिंग होता है, छल्ला होता है। तो ये छल्ला भी किसी धातु का ही बना होता है, और धातु कैसे होती है, चालक होती है, तो चालक का बना हुआ छल्ला होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि तांबे या पीतल का बना होता है, कॉपर और ब्रास, इसका ये रिंग होती है। इस रिंग को काट के दो टुकड़े किए, आधा टुकड़ा ये जो हमारे पास में आर्मेचर थी इसके एक सिरे से, आधा टुकड़ा दूसरे सिरे से जोड़ दिया। अब देखो अगला जो पार्ट है वो क्या होता है, इसके अंदर फोर्थ पार्ट होता है ब्रूसेज। तो विद्युत मोटर के ये चार पार्ट होते हैं, तीसरा क्या था, विभक्त वलय जो कि हमने यहां पर बताया। अब बात करते हैं ब्रूसेज, ब्रूस डायग्राम में देखो आपको, ये मैंने B1 और B2 ये दो ब्रूस बना रखे हैं। इन ब्रूस का, ये ब्रूस भी किसके बने होते हैं, चालक के बने होते हैं, किसी धातु के बने होते हैं, जैसे ग्रेफाइट या कार्बन रोड होते हैं एक्चुअली ये, और लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी सी ग्रेफाइट की या कार्बन रोड्स की बनी होती है ब्रूसेज, चालक होती है। क्या होता है कि ये जो हमारे पास में जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स इन ब्रूस के साथ में इनका कॉन्टेक्ट हमेशा बना रहता है, इन रिंग्स का जो कॉन्टेक्ट है वो ब्रूस के साथ में हमेशा बना होता है। जैसे मैं कह दूं कि ये ब्रूस B1 है, इसके साथ में जो विभक्त बल है, आधा बल ये हो गया, ये इसको हमेशा टच करता हुआ घूमता है, ये इस रिंग का, इस स्प्लिट रिंग का ब्रूस के साथ में कांटेक्ट रहता है। ब्रूस स्थाई होता है, ये कहीं नहीं जाता, ये यहीं रहेगा, सिर्फ जो विभक्त बल है वो यूं घूमेगा इसके साथ में, इस प्रकार से विभक्त बल घूमते जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो ब्रूस है यहां पर है, तो इन ब्रूसों का कार्य क्या है, ब्रूस का क्या कार्य है यहां पर, इस बैटरी से विद्युत धारा पहले किसमें आएगी, ब्रूस में, और ब्रूस से किसमें जाएगी, इस रिंग के अंदर आती है। इस रिंग को हमने नाम दे रखा है R1, और इधर जो आधी रिंग है उसको क्या नाम दे रखा है, R2, और ब्रूस को क्या नाम दिया हुआ है, B1 और B2। ये थी इसकी जो कंस्ट्रक्शन या ये कहते हैं इसकी जो रचना है विद्युत मोटर की। तो विद्युत मोटर में देखो क्या क्या पार्ट हो गए, आर्मेचर एक पार्ट, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हमने किसी चुंबक के दो पोल ले रखे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तीसरा क्या है, विभक्त वलय R1 और R2, और चौथा क्या है, ब्रूसेज B1 और B2। अब बात करते हैं कि ये जो विद्युत मोटर है ये काम कैसे करती है, इसकी जो कार्यविधि है, इसकी कार्यविधि को समझते हैं, विद्युत मोटर की कार्यविधि। देखो कार्यविधि, जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे, यहां पर ही हमारे पास में की है, जैसे ही इस की को, पलक को, या यूं कहते कुंजी को प्रेस करते हैं, इसको ऑन करते हैं, क्या होगा, इस बैटरी में से विद्युत धारा बैटरी के पॉजिटिव से प्रवाहित होगी, पहले किसमें आएगी, B1 में, ब्रूस B1 में चालक है, इस ब्रूस से किसमें जाएगी, रिंग R1 में।
आर वन से सीधे आएगी हमारे पास में, ये जो हमारे पास में आर्मेचर था, इसकी जो ब्रांच है ए बी, इसका ये जो भुजा है ए बी, आर्मेचर की भुजा ए बी, इसमें विद्युत धारा आएगी। ए बी से फिर बी सी में, और फिर किस में आएगी, सी डी में, सी डी से वापस रिंग आर टू में, रिंग से क्रॉस बी टू में, और फिर किधर आ जाएगी, बैटरी के नेगेटिव। इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो रिंग R1 और R2 है, और बीच में क्या है, ये जो हमारे पास में जो धुरी लगी हुई है, यहाँ पर भी हम कोई विद्युत रोधी पदार्थ लगाते हैं ताकि ये जो हमारे पास में जो धुरी है इसमें विद्युत धारा ना आए, किसी प्रकार का करंट ना आए। तो इन दोनों को भी इनके बीच में क्या लगाते हैं, कोई विद्युत रोधी, जैसे रबड़ या प्लास्टिक के छल्ले लगा देते हैं, तो ताकि इसमें धुरी में किसी प्रकार की विद्युत धारा ना हो, कोई करंट ना आए। अब देखो कार्य गति को समझते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ये जो चालक हमारे पास में ए बी है, ये विद्युत धारा वाही चालक हो गया, और इसको हमने किस में रखा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में। रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा। अब इस भुजा ए बी पे बल है वो किधर लगेगा, इसको हम समझने के लिए फिर से हमारा जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाते हैं यहाँ पर। क्या कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फर्स्ट फिंगर है तर्जनी है, वो किस दिशा में होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। सेंट्रल फिंगर मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में। तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाले बल को। आप देखो यहाँ पर हम लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है नॉर्थ से साउथ, और ए बी में विद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है, ये मैंने नियम लगा दिया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो आर्मेचर, ये जो भुजा ए बी, इस पे बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ। इसी प्रकार से इस सी डी की बात करते हैं, देखो सी डी में विद्युत धारा नीचे की तरफ आ रही है, बल लगेगा इसके ऊपर बाहर की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास में ये जो आर्मेचर है, इस पे इस साइड में बल लगा नीचे की तरफ, इधर बल लगेगा ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं ऊपरी मुखी बल, इसको कहते हैं अधोमुखी बल। तो एक बल नीचे की तरफ लगा, एक ऊपर की तरफ, रिजल्ट क्या होगा, ये आर्मेचर घूमेगी। जैसे ही आर्मेचर घूमेगी तो उसके साथ में ये जो विभक्त बल है, स्प्लिट रिंग है, ये भी क्या होंगे, घूमेंगे। आधे रोटेशन के बाद में, या यूं कहते हैं कि आधे घूर्णन के बाद में, यहां पर ए बी की जगह क्या आएगा, सी डी, और सी डी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी, और ये जो रिंग आर वन थी ये रोटेट करके घूर्णन करके इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। फिर से क्या होगा, विद्युत धारा अब ए बी की जगह किसमें लगेगी, सी डी में प्रवाहित होगी, और यहाँ पर ए बी में। अब सी डी पे बल पहले इधर लगा हुआ था, अब क्या होगा, सी डी पे बल नीचे की तरफ लगेगा। रिजल्ट क्या होगा, ये जो आर्मेचर है लगातार एक ही दिशा में घूमता रहेगा। जब आर्मेचर घूमेगा तो इसके साथ में हमने ये जो रिंग्स लगा रखे हैं, जो स्प्लिट रिंग लगा रखे हैं, ये भी क्या होंगे, घूमते हैं। तो इनके बीच में क्या लगी हुई है, धुरी। तो जैसे मान लो ये जो मैंने मेरे हाथ है, अगर हम इसको ये कह दें कि एक रिंग ये, एक रिंग ये, तो ये जब आर्मेचर जो रिंग्स घूमेंगी तो इसके साथ में क्या होगा, जो धुरी है ये भी घूमना शुरू कर देती है, और ये इसकी कार्य विधि है। अब देखो आधे रोटेशन के बाद में जो यहाँ पर क्या हुआ, विद्युत धारा की, देखो अब आधे घूर्णन के बाद में जब यहाँ ए बी यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा और सी डी यहाँ आ जाएगा, तो पहले सी डी में विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ थी, अब जब सी डी यहाँ आ जाएगा आधे घूर्णन के बाद में, तो सी डी में विद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये विद्युत धारा की दिशा को यहाँ पर कौन परिवर्तित कर रहा है, इन रिंग्स की वजह से। जब रिंग आर टू यहाँ जाएगी तो विद्युत धारा रिंग आर टू से सीधा किसमें जाएगी, सी डी के अंदर। इसका मतलब ये जो विभक्त बल है यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, लगातार विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं, ए बी से सी डी में, फिर सी डी से ए बी में। तो इन जो यहाँ पर इस विद्युत मोटर में जो विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर रहा है, इसको हम कहते हैं दिक परिवर्तक। तो दिक परिवर्तक की परिभाषा क्या आ जाएगी, ऐसी कोई भी युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ के अंदर, युक्ति जो विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर
विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करती है, विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करती है उसको हम क्या कहते हैं, दिक सूचक, दिक परिवर्तक। ये यहां पर हम ये कहते हैं कि विद्युत मोटर में दिक परिवर्तक का काम कौन करता है, ये जो विभक्त बलें हैं R1 और R2 ये यहां पर दिक परिवर्तक का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास में विद्युत मोटर और इलेक्ट्रिकल मोटर की रचना, सिद्धांत और कार्यविधि। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल एग्जाम के हिसाब से हर बार लगभग आता है एग्जाम में इसकी रचना, कार्यविधि और सिद्धांत। अगले वीडियो में हम ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेके आएंगे जो है विद्युत जनरेटर, काफी इंटरेस्टिंग है। तो तब तक आप इसको समझिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स।